पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों की समस्याओं को घर घर जाकर सुनकर उन्हें आगे उच्च स्तर पर हल करवाने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन इसके लिए पूर्व सैनिकों और उनके परिवारजनों को भी आगे आकर अपनी समस्या बतानी होगी। यह बात हमीरपुर में एक्स सर्विस मैन लीग के पूर्व सैनिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए अध्यक्ष रिटायर्ड ब्रिगेडियर दिलीप सिंह ने कही। उन्होंने कहा कि पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों की कई तरह की समस्या है, जिनमें कुछ लोगों को कम पेंशन मिल रही है तो कुछ को पेंशन सही ढंग से नहीं मिल पा रही है। आज जो मीटिंग है, ये हर साल हम मीटिंग करते हैं, जिसमें पूरे डिस्ट्रिक्ट के एक्स सर्विसमैन को बुलाते हैं, उनकी वन टू वन डायरेक्ट बात करते हैं, उनकी प्रॉब्लमों को लेते हैं। आज जो है इस मीटिंग का मेन मुद्दा जो है, ये स्पर्श जो ऑर्गेनाइजेशन खुला है CDA पेंशन की तरफ से, इसके बारे में हमारे एक्स सर्विसमैन की बहुत समस्याएं हैं। कुछ लोगों को पेंशन भी नहीं मिल रही है, कुछ को कम मिल रही है। इन बात वन टू वन हम बात करके इनकी समस्याओं को हल करेंगे। आज ये चेयरमैन भी इधर आए हुए ब्लॉक्स के, उनको भी हम ब्रीफ करेंगे, ताकि वो हर गांव में जा कर के जिसकी भी समस्या है पंचायत में जा कर के उनकी समस्याओं को हल करें। वेलफेयर के बारे में जो है, लोगों की अपनी समस्याएं जो कि हल नहीं होती हैं सरकार की तरफ से, फौज की तरफ से या रिकॉर्ड ऑफिस की तरफ से, उनको हम टेकअप करेंगे, उनसे डायरेक्टली लेकर के और उनको भी हल करने की कोशिश करेंगे। आज यही मुद्दा है हमारा कि लोगों की समस्याओं को, वेलफेयर को देखा जाए। और किस तरह, एक और समस्या जो हमने हल करनी है कि आज तो नफरी बहुत कम आ रही है, हालांकि हमारे हमीरपुर के लगभग 18,000 से 20,000 पूर्व सैनिक हैं, अगर उसको परिवार को मिला लें तो 35,000 तक हो जाते हैं, लेकिन जब हम देखते हैं यहाँ पर मीटिंग में तो बहुत कम लोग आ रहे हैं। मैं समझता हूँ दिक्कत तो है, पर साल में एक बार जो है लोगों को कोशिश करना चाहिए ताकि आप आपस में आकर के मिलें। हमारा ये जो लीग है, ये संगठन जो है, ये इसीलिए बनाया गया है कि हम अपने अनुभव से अपने एक दूसरे की मदद करें, लोगों को इधर उधर फालतू भागना ना पड़े।